सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और यार आप सोच रहे होंगे कि ये मॉर्निंग हो कहाँ से रही है। सो गाइज आप शायद अभी सो के उठे हो, लेकिन मैं रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से ही निकल चुका हूँ यार। और हम जा रहे हैं मनाली की ओर। मनाली दिखा रहा है यहाँ से अराउंड 615 किलोमीटर, 11.5 घंटे। और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अभी अपन है अम्बाला हाईवे के ऊपर, जो कि नेशनल एक्सप्रेस वे है। कोटपूतली जयपुर, नियर बाय जयपुर बोल सकते हैं। सो कोटपूतली टू अम्बाला जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर हैं अभी अपन। और 2 घंटे की ड्राइव अपन ने कर चुकी है ऑलरेडी। अब अपन ने यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना व्लॉग। सो साथ रहिए और चलते हैं एक ब्यूटीफुल से पहाड़ों के ऊपर, या फिर इस मॉर्निंग के अंदर एक ब्यूटीफुल सी राइड के ऊपर। तो चलो मिलते हैं अब आपको अपने मोटो व्लॉग वाले सेटअप के ऊपर। पहाड़ों में मेरा बसेरा है। सो भाई चलते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन सेफ्टी के साथ। और पहले बढ़ाते हैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल और फिर पीते हैं गर्मा गर्म चाय। तब तक के लिए आप लोग भी उठ जाओ यार और चाय वाय पी के। आज वैसे ईद है, आप सभी को ईद मुबारक। जितना आ जाए ऑटो कट तक फुल कर दो। फ्लैक्सी लाइन हो रखी है, दिख रही है प्रॉपर, वहां से आ रही है और इस तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने पेंटिंग कर दी है और प्रॉपर लग रहा है चारकोल से फैला के कुछ ब्रश मारा गया है प्रॉपर एकदम। सो भाई बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब हाईवे जो है बड़ा प्यारा है, दिख रहा होगा सामने आपको। और मॉर्निंग का सीन है, रोड्स भी अभी खाली है। तो यार मैंने देखा क्यों ना अपन एक 360 वीडियो ही ट्राई करें बना के। तो कुछ ये सेटअप है अपना, अपन यहाँ लगा रहे हैं। वैसे कैमरा है GoPro Max 360 के लिए, इंस्टा नहीं है। लो भाई पहला टोल प्लाजा आ चुका है, देखते हैं क्या बोलते हैं बाइक के लिए। ऐसा ना बोले कि भाई बाइक अलाउ नहीं है, बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे है ना एक बार इन्होंने बोल दिया था यहाँ पे नहीं बट हाँ आगे की तरफ में। बढ़िया लगा था ना अंदर डाल के गिलास कांच का। तो गाइस चाय पी ली है और यार जो नज़ारा जिसके लिए अर्ली मॉर्निंग लोग उठते हैं वो नज़ारा मेरे राइट में है। और ये रहा वो नज़ारा, क्या लग रहा है भाई ये सूरज। सनराइज से मज़ा है ना यार, दो ही जगह है, या तो बीच हो या फिर ये जो खेतों में से निकल रहा है ना भाई, इसके तो मतलब क्या कहने। कभी लिखा रहा है अम्बाला 300, कभी लिखा रहा है 272, जस्ट पीछे लिखा रहा था अम्बाला 350। पता नहीं भाई कौन सी स्पीड से मैं चल रहा हूँ या फिर कौन सी स्पीड से किलोमीटर कम हो रहे हैं। ट्रॉली, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर का प्रवेश निषेध है। ठीक है भाई साहब, सुन ली हमने आपकी बात। क्या सीन है, बाइक वाइक अलाउ है नहीं है आगे? बाइक अलाउ है नहीं है तो अगर महेंद्रगढ़ जाना है तो कहाँ जाऊँ फिर? महेंद्रगढ़ जाना है तो फिर अलाउ कहाँ तक? नहीं जिंद तक चल जाएगी, रोड रास्ता करते ना वो जिंदु के जो पटियाला निकलता है आगे, तब जिंद से जा सकते हैं ना। ओके भाई शुक्रिया। चलो भाई, भाई बोला जिंद पहुँच जाएंगी, अम्मा नहीं जा पाओगे। अब इनका भी अलग ही है भाई, एक्सप्रेस तो स्टार्ट हो गया ना यहाँ से। तो भाई ने बोला है कि भाई केवल रोहतक तक जा सकता हूँ मैं बाई बाइक, बाकी अभी भी चल मैं एक्सप्रेस वे पर रहा हूँ। जो कि गलत तो ये भी है ही, क्योंकि अगर अलाउड नहीं है तो टोल टैक्स से ही अलाउ नहीं होना चाहिए। बट ये बंदे बोल रहे हैं कि भाई रोहतक तक आप जा सकते हो, उसके आगे तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। अब बिल्कुल अलाउ नहीं है ये तो पता नहीं कौन सा होता है, बट हाँ जितना मेरे को पता है कि ऑलमोस्ट मेजरली जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उनके ऊपर बाइक्स वगैरह अलाउ नहीं होती, जो भी रीजंस होते हैं। बाकी यार बहुत प्यारा रोड है, हमसे भी टोल टैक्स ले लो लेकिन इस रोड पे टाइम सेविंग पे उसका फ़ायदा हमें भी लेने दो। हुआ कुछ ऐसा, पहले ओवरटेक करते हैं। हाँ तो यार हुआ कुछ ऐसा कि अपन ने कन्फर्मेशन ले लिया एक बार कि
कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए एक्सप्रेस वे से। सो सब ने यही बोला, प्लस जो वहाँ के टोल कर्मी थे उन्होंने बोला बोले चल जाओ भैया, देखो रिस्क आपका है, पुलिस वाले मिल जाएंगे तो भी रिस्क है, नहीं मिलेंगे तो ऑनलाइन चलान का रिस्क है, क्योंकि वो पूरा एरिया सीसीटीवी कवर है। बोले मान लो आप निकल गए, आपको कोई पुलिस वाला नहीं मिला, बट आप घर पहुँचे और चलान घर पर आ गया। सो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो रोड ये भी अच्छा है, तो अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, हम आ गए हैं महेंद्रगढ़ रोड के लिए। महेंद्रगढ़ यहाँ से 5-1 किलोमीटर और है, वो बता रहे हैं वहाँ से रास्ता कटेगा टुवार्ड्स दादरी देन रोहतक, और वही रोड फिर आगे अपना पटियाला होता हुआ हिमाचल में एंटर हो रहा है। इस तरह का हाईवे है जो आई थिंक स्टेट हाईवे या नॉर्मल हाईवे चल रहे हैं, नॉट एन एक्सप्रेस वे। अपन जा रहे हैं दादरी की साइड, यहाँ से रोहतक जाना है, मतलब रोहतक रोड ही बोल सकते हो। तो ठीक है, रोड अच्छी है, और जितना मैं वहाँ क्रूज़ कर रहा था अराउंड उतना ही मैं क्रूज़ यहाँ कर रहा हूँ। अंतर से इतना सा है कि यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, लोकल ट्रैफिक है, लोकल लोग हैं, बच्चे हैं, रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो वो सब देख के चलना पड़ रहा है। और वो हाई रास्ता कि हाँ भाई प्रॉपर रिलैक्स एकदम, पूछना पड़ेगा कि रोड कौन सा कट रहा है कैथल के लिए, क्योंकि कैथल से ही रास्ता कटेगा आगे के लिए जहाँ अपन को जाना है इस रोड के थ्रू। तो कोई शॉप वाले भैया इनसे पूछ लेते हैं। ये भिवानी वाला रोड से सही रोड है, और ये भिवानी जिंद कैथल, और ये नहीं जाएगा, ये दिल्ली गया। अच्छा अच्छा, फाइनली ऑन आवर फर्स्ट ब्रेक, और यहाँ पे रुके हैं यार कुछ खाने के लिए। खाने में अपना फिक्स है आलू का पराठा और दही। तो भाई पहला ब्रेक ले चुका है, और पहले ब्रेक में अपन कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा और दही। अराउंड भिवानी आ चुके हैं अभी, टेस्टी है पराठा, टेस्टी है। तो भाई दिन में तो ब्रेकफास्ट है और आलू का पराठा खा लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से, और जाना बहुत दूर है अभी, तो अब ज़्यादा रुकेंगे नहीं, बिकॉज जो ब्रेकफास्ट चाहिए था, जो नॉर्मल ब्रेक चाहिए था, वो ब्रेक अपने ले लिया है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस कि अभी मैं भिवानी के अंदर हूँ और मुझे पूरा सिटी क्रॉस करना पड़ रहा है, इतना ट्रैफिक है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, ज़िंदगी और जा रहे हैं। बाकी यार अगर हाईवे चल जाते ना, तो मतलब पता नहीं गवर्नमेंट चाहती क्या है यार, भाई बाइक पे जाना है टोल टैक्स ले लो यार, टैक्स थोड़ी बना कर देने से माफ, पर्ची काट लो। गाइज नाउ द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे रुके थे, और देखो ज़रा क्या हुआ है, अपने जो रेन कवर थे वो गिर गए रास्ते में कहीं पे, पता नहीं कैसे गिरे, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। सो कहाँ गिरे पता भी नहीं है, बट कोई अदर ऑप्शन नहीं है, अब ऐसे ही लेके जानी पड़ेगी गाड़ी अपन को आगे तक। सो यहाँ पे रुके हैं क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जो मेरा विंटर लाइनर है वो वक्त आ चुका है खोलने का। विंटर लाइनर बाहर निकाल दिया है अपन ने, बहुत गर्मी हो चुकी थी, ठीक था पहना पहना, बट है ना अभी 9 बजे हैं और गर्मी ही और होनी है आगे जाके। सो अगर अभी मौका लग रहा है खोलने का खोल दो, बिकॉज अब हवा भी गर्म हो चुकी है। सो कुछ ये है कि अपन ने ये लाइनर निकाल दिया है, इसको अपन कर लेते हैं फोल्ड और डालेंगे इस वाले बैग के अंदर। तो फाइनली सब कुछ खोल खाल के चल दिए हैं, सब कुछ नहीं खोला है, बस जस्ट जो था विंटर लाइनर वार्म लाइनर वो निकाल दिया है, और निकालने के बाद बहुत ही इजी सा हो गया है, बट बैग थोड़ा भारी हो गया है, बिकॉज गया बैग में ही है। और यार अल्टीमेट चल रहा है, जो भी चल रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं। हर रोड पे काम चल रहा है, और ये कोई फ्लाईओवर है जो बन रहा है जिन जाने के लिए, पता नहीं भाई वो एक्सप्रेसवे छोड़ के पता नहीं कौन कौन सी गलियों में घूम रहा हूँ, या कौन कौन से कच्चे रोड पे घूम रहा हूँ। जो रास्ता आई थिंक मैं जल्दी कवर कर लेता, वो रास्ता मुझे कवर करने में अब आई थिंक काफ़ी टाइम लगने वाला है, और थकान उससे ज़्यादा होने वाली है। बताओ कहाँ जाना चाहिए,
वैन खड़ी है। हाँ। वो कार भी मुड़ी है। ठीक है, सामने गली है इस तरफ में। हाँ। गली के सामने आश्रम है। ठीक है, सीधा हो जाओ आप, सीधा सी रोड पकड़ जाओ, सीधा बाहर भाई, बाहर की बार हो जाएगा, बाहर की बार। सो गाइस मेरी तो यही सलाह है कि भाई रिस्क ले लेना, चालान कटता है नहीं कटता है, चालान घर आता है या नहीं आता है, लेकिन यार एक्सप्रेस वे है ना, वो एक्सप्रेस वे ही है भाई। अभी यहाँ पे मैं आ तो गया हरियाणा वाली अंदर की रोड्स पे, जिंद पे, भिवानी रोड पे, वहाँ से मैं कट रहा हूँ पटियाला के लिए, पंजाब रोड पकड़ रहा हूँ, बट वो अंदर के अंदर निकल रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या है ना, कहीं पर कहीं काम चल रहा है, कोई रास्ते बंद है, ऑलमोस्ट जो रोड्स है वहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस है। सो कभी किसी गली में, कभी किसी से पूछना पड़ रहा है, कहीं पे गूगल मैप्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कहीं पे आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। अभी भी आपने देखा होगा पीछे मैंने पूछा एक शॉप वाले से। तो गाइस फाइनली थक हार के यार आखिरी में हाईवे पकड़ में आ ही गया है, और पटियाला है यहाँ से 130 किलोमीटर, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ अभी से ही। तो जैसे ही हाईवे मिला उस पर मिले हमें जूस वाले भैया, और हम रुक गए जूस पीने के लिए। तो जूस पीते हैं, कुछ आराम करते हैं। तो भाई जूस तो बन गया, और जूस का गिलास कुछ पटियाला पैक जैसा ही है यार, भाई बहुत ही मोटा गिलास है पटियाला पैक। चलिए अपन आ चुके हैं हाईवे के ऊपर, और भाई बहुत ही खुशी हुई है हाईवे देख के कि हाँ भाई एटलीस्ट मैं दोबारा कुछ अच्छे से क्रूज कर सकता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से अपन निकल रहे हैं पटियाला, पटियाला है एग्जैक्ट 100 किलोमीटर यहाँ से। सो 100 किलोमीटर इस रोड पे मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम 2 घंटे। फाइनली एक और टोल टैक्स, ये टोल टैक्स में हम हुए एंटर। नाउ एंजॉय द एग्जिट व्यू ऑफ द टोल टैक्स, जहाँ जा रहे हैं बाधा ही बाधा मिल रही है भाई, और एक बाधा और आ गई है, शायद बैरिकेड्स लगा रखे हैं, रास्ता क्लोज है करके, कुछ जाना कहाँ से ये समझ नहीं आ रहा भाई। फिर यस दिस रोड इज क्लोज्ड, बाकी फिर जाना होगा कहाँ से भाई ये समझ नहीं आ रहा। जहाँ जा रहा हूँ वही रास्ते या तो अंडर प्रोसेस चल रहा है वर्क उनके ऊपर, या फिर रास्ते बंद हैं। अभी आई थिंक इस रोड के ऊपर कुछ किसान वगैरह ने रास्ते रोक रखे होंगे, सो रैपिड एक्शन फोर्स और वो सब एक्स्ट्रा पुलिस बल सब तैयार था। और भाई ये कौन सी मिट्टी आ गई, ओहो निकल जाना भैया हिमालयन। भाई नीचे दिखाऊं ना तो ऐसा लग रहा है कि ये देखो व्यू यार, जो ये मिट्टी काटती निकल रही है ना। सो गाइस दिस इज़ द मेन रीज़न, दिख रहा होगा आपको ये पूरा हाईवे एक्चुअली फार्मर्स ने ब्लॉक कर रखा है, और सिर्फ यही रीज़न था कि इतने से पैच को क्रॉस करने के लिए इतना ऑफ रोड करके घूम के आना पड़ा। और नाउ अगेन वी आर कमिंग टू द हाईवे, सो लेट्स सी। ये अच्छा पहले से हुआ था, किसानों ने दिल्ली के रास्ते रोके थे, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भी आई थिंक कुछ रास्ते रोक लिए हैं। यस हरी पटियाला है यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर, और
और यार रिजर्व लग चुका है गाड़ी के अंदर, सो जो पहला पड़ेगा पेट्रोल पंप, वहाँ पे दोबारा टैंक फुल कराना होगा अपन को। गाड़ी बहुत चल चुकी है और भी चलने वाली है, सो पेट्रोल तो नीडेड ही। बाकी अकॉर्डिंग टू मी पटियाला 50 किलोमीटर है और उसके आगे पड़ता है रूपानगर जो हिमाचल की बॉर्डर है एकदम जस्ट, वहाँ से बिलासपुर ओनली 60 किलोमीटर है। बट मेरे अकॉर्डिंग पटियाला से रूपनगर की जो डिस्टेंस है वो भी करीब करीब 90 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास ही है, सो 2 घंटे के अराउंड फील लगेंगे उसको कवर करने में। सो होपफुली अभी 12:30 हो रहे हैं, 2 घंटे वो जोड़ते हैं और 66 के अपन 1 घंटा और जोड़ लेते हैं, 3-4 बजे तक अपन मेरे हिसाब से बिलासपुर पहुंच जाएंगे और उसी के अराउंड डिसाइड करेंगे कि बिलासपुर रुकते हैं या जस्ट आगे सुंदरनगर स्टे करते हैं या फिर कैसा वेदर होता है, बिकॉज थोड़ा मुझे आगे बदल लग रहे हैं। लो जी, बातें करते करते ही अपना आ चुका है पेट्रोल पंप। ठीक है, बहुत जी बहुत है हाँ। अच्छा, E20 वाला है क्या? तभी लाल सा है। रशियन वेपन गबरू देसी कल शहर बठिंडे पे सीनी बम्बी हाँ बोले बोले नी बम्बी हाँ बोले हाय बीबी कत्ती विच उठता नी कोई तोड़नी अटते कुटता नी बम्बी हाँ बोले। चंडीगढ़ सीधा निकल जाएगा। ये रोड है जो आगे जाएगा रूपा या रूपनगर की ओर, और वहाँ से बिलासपुर मतलब रूपनगर जो है वो एक्चुअली बॉर्डर है हिमाचल और पंजाब की। सो अभी अपन हो चुके हैं फतेहगढ़ साहिब के लिए, जो था कि आई थिंक इसके यहाँ से राइट होता होगा जगह नीचे से। सो चल रहे हैं, मज़ा काफ़ी आ रहा है और कुछ घंटों का सफ़र और है, आई थिंक 1 से लेकर 1.5 या 2 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और यार बिलासपुर बचा है यहाँ से अराउंड, मतलब अवेवन जा रहे हैं रूपनगर जो कि मेन बेस है पंजाब और हिमाचल का, आई थिंक 15 किलोमीटर है यहाँ से वो, और देन फिर अपन कटेंगे बिलासपुर के लिए जो कि बिलासपुर है 55 किलोमीटर। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से 55 और 15 ये अपना हो गया 70 किलोमीटर अराउंड। दिख चुका है बोर्ड मनाली 279 किलोमीटर्स, बहुत दूर जाना है। रूपनगर 14 किलोमीटर है, आफ्टर रूपनगर पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे एंड आई एम 100% श्योर कि आज मनाली नहीं पहुंच पाएंगे। सो अपन करेंगे स्टे बीच में, स्टे कहाँ करते हैं, या तो बिलासपुर या फिर उसके आगे सुंदरनगर या फिर मंडी, ये 3 ऑप्शंस रखेंगे। जैसा टाइम होगा किस टाइम पहुंचते हैं उसके अकॉर्डिंग आराम से रूम लेके बढ़िया खा पी के रेस्ट करेंगे और कल सुबह निकलेंगे फिर मनाली के लिए। इस फाइनली टाइम आ चुका है कुछ चाय वगैरह पीने का, यार कहाँ पिए बस यही सर्च कर रहे हैं, और एक बार मैं इसे पी चुका हूँ और पी के मैंने सोचा था कि अपन काश थोड़ा आगे रुकते तो अच्छा व्यू आता और, बट अभी मुझे व्यू नहीं केवल चाय चाहिए और कुछ बिस्किट्स क्योंकि मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है यार। सो हल्के हल्के पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं, मनाली हाईवे आ गया है। 250 किलोमीटर्स होगा मनाली है मेरे हिसाब से, यहाँ से मैक्स लिखा हुआ ही आ गया ना, 262 किलोमीटर है। सो भाई कितने भी किलोमीटर हो अपन ने जाना मुश्किल से 50-60-70 किलोमीटर ही अभी आगे और देन अपन स्टे कर लेंगे, बट हाँ वो 50-60 किलोमीटर के लिए मेरे को कुछ एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी होगी चाय बिस्किट्स चिप्स नमकीन जो मिल जाए उन्हीं की। यहाँ रुकते हैं यार, और चलने की हिम्मत भी नहीं है मेरे अंदर। सो ये जो पड़ रहा है पेड़ों के बीच में बनावा बिल्ले का ढाबा, ओ बिल्ले यार इसका तो सुना सा ही पड़ा है, बिल्ले का ढाबा क्या ही पिलाएगा ये। ग्रीनरी सामने पहाड़, छोटा सा प्यारा सा हाईवे,
कोई मिला नहीं है चाय वाला अभी तक अपन को, और शायद कहते ही लगता है रतन ढाबे के ऊपर काम हो ही जाएगा आज। लो जी, मैंने वीडियो ऑन किया था आपको व्यू दिखाने के लिए, और व्यू में आए हैं रतन ढाबा। चलो कोई नहीं, पहले चाय पीते हैं और फिर देखते हैं आएगा कि क्या किया जाए कैसे। सो गाइस, डन विद द टी। और यार चाय पी के जो आराम आया ना भाई, वो मज़ा आ गया। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया बोला, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी डेड हो चुकी थी, और बस मैंने चाय पी, फटाफट एक बार मुँह धोया और मैं निकल दिया वहाँ से। रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज मेरे को अभी 60-70 किलोमीटर और जाना है आज के स्टे के लिए, जो कि नियर बाय बिलासपुर या सुंदरनगर के बीच में, या इन दोनों में से किसी एक स्पॉट पे होगा। बाकी थोड़े थोड़े पहाड़ दिखना स्टार्ट हुए हैं अभी अभी फोर लेन हाईवे चल रहा है, बट जो हाईवे है ना ये आई थिंक थोड़ी देर का ही है, उसके बाद फिर प्रॉपर पहाड़ आ जाएंगे जहाँ पे वन लेन और जो पहाड़ की प्रॉपर फील होती है वो आना स्टार्ट होगी। पहाड़ों वाला टोल टैक्स। देवभूमि हिमाचल आपका हार्दिक स्वागत करती है टनल नंबर 1 में एंटर। सो भाई ये कुछ नज़ारे हैं टनल क्रॉस करने के बाद। और यार पहाड़ तो मुझे पसंद शुरुआत से ही हैं, और फिर ऐसी वैलीज आती है तो और मज़ा आता है। बिलासपुर ओनली 22 किलोमीटर, सो आई थिंक बिलासपुर तो क्या ही रुकेंगे अब यार, जब 22 किलोमीटर ही है और 5:30 बजे हैं अभी तो। सो बिलासपुर रुकना मेजरली कैंसिल, और फिर भी मन कर गया बिलासपुर रुकने का, कोई डील मिल गई अच्छी तो बिलासपुर रुक जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट डे 200 किलोमीटर के आसपास बचेगा मनाली, और अपन आराम से सुबह 8 या 9 बजे निकलेंगे तो भी टाइमली पहुंच जाएंगे। बाकी अगेन एंट्रिंग इन टनल नंबर 2, और मिलते हैं टनल के बाद फिर। जी बिलासपुर आ चुका है यार, बिलासपुर है यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर, और एक बस स्टॉप पर रुकता भी था रेस्ट करने के लिए, पानी वानी पीने के लिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 15 किलोमीटर तो मुश्किल से 20 मिनट या 15 मिनट लगेगी पहुँचने में, तो क्यों ना यार स्टे सुंदरनगर किया जाए, बिकॉज 5:30-6:15 हो रहे हैं मुश्किल से, मौसम पूरा साफ़ है, मौसम भी ख़राब नहीं है। तो वो चलते हैं फटाफट बिलासपुर के लिए, और देन देखते हैं अगर कोई डील मिलती है अच्छी थी, बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगी डील तो बेस्ट है, अदरवाइज़ सुंदरनगर मूव कर लेंगे, बिकॉज एक बेसिक अमाउंट तो मुझे हर जगह पे करना ही करना है। देखा नहीं तुझे अरसों से, बात नहीं अब बरसों से, खोए हुए तेरे चर्चों से है कहाँ, पहाड़ों में मेरा बसेरा है, गले में ये मफलर तेरा है, आके तू इसको आधा उड़ जा। Look at that view यार, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ रास्ते चेंज किए गए हैं, और क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी किलोमीटर्स कम हो रहे हैं यार, जैसा कि मतलब मैं देख रहा हूँ हर थोड़ा, यार थोड़ी आग शायद लगाई है वहाँ पे, तो पता नहीं आपको दिख रहा है दिख रहा है यार, बट वहाँ पे हल्के से एक पैच में आग आई होप लगाई है, जितनी ग्रीनरी है अभी उसके अकॉर्डिंग तो अपने आप आग लग सकती है नहीं। बाकी मेरे को लग रहा है कि है ना कुछ रास्ते चेंज किए गए हैं, जितनी स्पीड से किलोमीटर्स कम हो रहे हैं मनाली पहुँचने के, समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी कैसे हो रहे हैं भाई, और अभी तक हाईवे चल रहा है। अदरवाइज़ बिलासपुर से तो पहले या बिलासपुर में तो प्रॉपर जो सिंगल लेन हाईवे होते हैं पहाड़ वाले वो चलते हैं यार, ये तो प्रॉपर हाईवे चल रहा है फोर लेन। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। भाई ये दिख रहा है धुआं आ रहा है हल्का सा पहाड़ों के ऊपर, खाना पक रहा होगा, शाम का टाइम हो चुका है और चूल्हे की धुआं ही है, लेकिन जो लग रहा है भाई ऐसा लग रहा है कि बदल आ रखे हों, अलग ही मज़े आ रहे हैं, और 100% नया रोड बन चुका है, पूरा हाईवे ही चेंज कर दिया है, दो रास्ते कटे। पहले पीछे आया था शिमला, जो कि आज तक कभी इस रोड से आते मनाली तो कभी नहीं आया, और आई थिंक ये जो जितनी रोड चौड़ी हुई है ना नदी, ये प्रॉपर उस तबाही के कारण हुई है, और इसलिए आई थिंक थोड़ा हाईवे को शिफ्ट किया है या फिर कुछ ना कुछ तो किया है भाई, समझ मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ बिलासपुर मैंने आपको कहा था 15 किलोमीटर है राइट, बिलासपुर अभी तक नहीं आया है, बिलासपुर कट पीछे ही रह गया, उन्होंने कहा लेफ्ट में मनाली राइट में बिलासपुर और शिमला, तो भाई ऐसा कभी नहीं होता था हमेशा, अदरवाइज एक ही रोड पे बिलासपुर पे था और वहाँ से रोड करता था आगे, बट आई थिंक अभी कुछ चेंजेस किए हैं रिसेंटली, आई एम श्योर कि ये जो आपदा आई थी इसमें काफ़ी रोड बह गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, उसी के बाद
ये नया रोड निकाला है, एक अल्टरनेटिव रोड निकाला होगा ताकि जो भी फ्यूचर या सेफ्टी पर्पज़ के अकॉर्डिंग। सो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तो यहीं रुक जाऊँ वादी के अंदर ही यार। बहुत ही प्यारी सी वैली बनी हुई है और चारों ओर ग्रीन पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ मिल जाए छोटा सा होटल कोई तो अपन तो यहीं पे रेस्ट करें। ये देख रहे हैं यार, ये कभी नहीं हुआ कि बिलासपुर जाना है तो घूम के जाओ, बिलासपुर राइट मतलब पुलिया के नीचे से और मनाली स्ट्रेट, ये मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और मैं बहुत बार आ चुका मनाली, काफ़ी टाइम आ चुका, आप भी सब जानते हो कि स्टोरीज देखी होगी आपने, इंस्टा पे भी देखते होंगे। ये ओल्ड रोड है, ये वाली ओल्ड रोड है जो मैं सिंगल लेन चलता है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो ठीक है, मुझे तो रुकने का दिखा दो बढ़िया सा यार, प्यारा सा गेम बन जाए, बढ़िया मज़ा आ जाए इस वैली में रुकने का। सो गाइस दिस इज़ द व्यू, हडिम्बा होम स्टे। भाई जो मैं कह रहा था ना आपको कि अगर मुझे कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, सो भाई जैसे मैं कह रहा था आपको कि अगर मुझे कुछ मिल जाएगा यहाँ रहने के लिए तो मैं तुरंत बुक कर लूँगा, और यार वही हुआ, भगवान ने शायद सुन ली। इसी वैली में रहने का मेरा मन था और इसी वैली में मुझे पहला होम स्टे या जो होटल कुछ भी कह लो यार जो मिला, भाई मज़ा आ गया देख के। ये पूरा अपना हाईवे चल रहा है, ठीक है रेट बताऊंगा, रूम दिखाता हूँ। ये अपना रोड जा रहा है, वो जो पुल है ना जहाँ पे लोहे की स्टेयर्स दिख रही है आपको, बस वहीं के पास में अपना रूम है। और भाई क्या मतलब रेट क्या बताऊँ मैं आपको, रेट है ना, आप तब तक गैस कर लो, फिर मैं जैसे ही आपको रूम दिखाता हूँ तभी पॉपअप करके आपको शो करता हूँ कि भाई ये अमाउंट था। गाइस जैसा दिखाया था मैंने आपको कि यहाँ पे अपन ने अपनी बाइक पार्क कर दी है, सेकंड वाला अपने लिया है, ठीक है एंट्रेंस देख लिया अपने वहाँ से आते हुए। सो रात में अपना ये प्राइवेट रहेगा यार, यहाँ पे अपन अपने थोड़े मज़े कर सकते हैं। और भाई मेरे को वर्थ इट लगा, आपको लगता है आप बताना। सो कुछ ये रूम है, एकदम नया लग रहा है रूम भी, मेरे को डिसेंट है, इधर भी ओके प्रॉपर थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, वॉशरूम वगैरह भी ओके हैं, ऐसा कुछ नहीं है राइट। और ये रूम अपन ने लिया है 500 रुपये में,